वाराणसी में रिंग रोड के पास मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर, सिपाही को भी लगी गोली। आपको बता दें, वाराणसी शहर में बीते दिनों दरोगा अजय यादव पर हमला करने वाले बदमाशों की कुछ समय से पुलिस तलाश कर रही थी। इस मामले के आरोपित बदमाशों को पुलिस ने तड़के रिंग रोड पर मुठभेड़ के दौरान ललकारा तो आनन फानन दोनों ओर से गोलियां चलने लगी, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। बता दें, क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश रिंग रोड के पास है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को भी गोली लगी और वह घायल हो गए। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि मौके पर फील्ड यूनिट सहित अन्य अधिकारियों को रवाना किया गया है, जबकि हाल ही में दरोगा की लूटी गई पिस्टल से बरामद 9 mm पिस्टल के मिलान की कार्रवाई के लिए उसे भेजा गया है। विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9 mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और DGP महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।